दोस्तों, आप अगर LIC के कस्टमर हो और जो LIC का प्रीमियम है आप ऑनलाइन पे करते हो, वो भी रजिस्टर्ड पोर्टल से नहीं, डायरेक्टली आप पे करते हो बगैर रजिस्ट्रेशन करते हुए, तो ऐसे में अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं, पैसा कट जाते हैं लेकिन रिसिप्ट नहीं मिलता है, या तो सक्सेस होने के बाद भी आपका रिसिप्ट नहीं आते हैं आपका ईमेल में, ऐसे में आपका जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो कैसे सेट कर सकते हैं, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो वो रिसिप्ट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका ईमेल में नहीं आया तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक। हम सारे के सारे चीज के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो के नीचे देखिए लाल बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अब हम चलेंगे अपना मोबाइल में और LIC का जो LIC कस्टमर मोबाइल ऐप है उसके द्वारा आप कैसे जो डायरेक्ट पे किया हुआ ट्रांजेक्शन स्टेटस, LIC का डायरेक्ट पेमेंट स्टेटस आप जानना चाहते हैं, कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में दिखाएंगे। अब दोस्तों, हम अपना मोबाइल पे आ गया है और आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो प्ले स्टोर से LIC कस्टमर एक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ, उसे ओपन कर लेंगे। देखिए LIC कस्टमर जो मोबाइल है वो मोबाइल ऐप है वो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिनमें से रजिस्टर्ड पोर्टल यूज़र जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है उसके लिए है। हम तो उसके बात नहीं कर रहे, जो बगैर रजिस्ट्रेशन किए हुए पेमेंट किया था उसका ट्रांजेक्शन स्टेटस जानना है, इसलिए क्विक सर्विस के ऊपर जाऊंगा। क्विक सर्विस के ऊपर क्लिक कर देने से ऐसे ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो उनमें से पे डायरेक्ट ऑप्शन में हम चला जाएंगे, क्योंकि पे डायरेक्ट करके ही हम ट्रांजेक्शन किया था इसलिए उसका ट्रांजेक्शन स्टेटस जानना है। तो व्यू ट्रांजेक्शन स्टेटस के ऊपर कर देंगे क्लिक। व्यू ट्रांजेक्शन स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पॉलिसी पहला नंबर में है, जो पॉलिसी आपने पे किया था उसका नंबर डालना पड़ेगा, फिर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया था उसके नंबर डेट यहाँ पर डालना पड़ेगा, उस डेट को डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप, यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप किया था रिन्यूअल, प्रीमियम, रिवाइवल और या तो एडवांस प्रीमियम। अगर आप एडवांस प्रीमियम कर रहा था तो एडवांस प्रीमियम में क्लिक कीजिए, नहीं तो रिन्यूअल प्रीमियम जो और आप यूजुअली करते हैं वो रिन्यूअल प्रीमियम के ऊपर क्लिक करके डन कर दीजिए, और वहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल देता हूँ, फिर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डाल देते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर मैं पॉलिसी नंबर डाल दिया हूँ और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट को मैंने किया एक से को ट्रांजेक्शन किया था उसका डेट डाल दिया हूँ, फिर वो ट्रांजेक्शन टाइप भी सिलेक्ट किया हूँ, और क्योंकि ये पॉलिसी जब पे कर रहा था मेरा पैसा काट गया था लेकिन वो मुझे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बीच में इंटरनेट काट गया था, पैसा भी अकाउंट से काट गया था लेकिन सक्सेसफुल भी नहीं हुआ था। अब उसका ट्रांजेक्शन स्टेटस देखता हूँ, ये डाल के हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद देखिए आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल फॉर डिटेल्स एट दैट, जो मेरा ट्रांजेक्शन था वो सक्सेसफुली पेड हुआ था, कितना अमाउंट पेड हुआ था उसके बारे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और रिसिप्ट नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका मेल में नहीं मिला है, हालांकि मेरा मेल में तो 3 दिन बाद रिसिप्ट आ गया था, लेकिन यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट नंबर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, आपका मोबाइल में ही रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये रिसिप्ट आपका मोबाइल में डाउनलोड हो गया है, और यहाँ पे 3 डॉट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसे मोबाइल पे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और कैसे आप डायरेक्ट प्रीमियम पेमेंट ऑनलाइन का जो स्टेटस है वो जान सकते होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।